हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार की तानिया में आप लोगों का स्वागत है। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और बज रहा है 11, तो इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। और लाइट कटी हुई है इसलिए मैं छत की सीढ़ी पर बैठी हूँ और मेरे साथ साथ लीची भी है। देखिए लीची, हेलो हाय बोल दो हाय। लीची भी छत पे बैठी हुई है क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है, उसे भी गर्मी हो रही है और इस समय लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। समझिए हर साल की है, गर्मी का दिन जब दिन आता है ना, गेहूँ काटने का समय आता है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लाइट नहीं रहती है। और आज है सतुआ और हम बनाएंगे आम की चटनी और आज खाया जाएगा सतुआ और आम की चटनी, क्योंकि आज खाना नहीं बना है और आज खाना बनता भी नहीं है हम लोग के यहाँ, क्योंकि सतुआन है तो सतुआ खाएंगे। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ क्या सतुआन मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है। हमारे बिहार में तो सतुआन मनाया जाता है और बहुत गर्मी है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं मेरे फेस से समझ में आई हो रहा होगा कि बहुत गर्मी है। और क्या करूँ, बच्चे भी नहीं हैं जो ब्लॉग शूट करें, मैं ऐसे कितना ब्लॉग बनाऊँ शूट करूँ। और नीचे एकदम ही अंधेरा है, क्या ही कह सकते हैं आप लोग से। तो चलेंगे थोड़ी देर में नीचे और नीचे जाकर बनाएंगे चटनी, तब सब लोग खाएंगे। और चाय भी तो पी ही लिए हैं और सुबह सुबह ही नहा लिए हैं। आजकल मैं सुबह ही नहा ले रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा लेट नहाती थी, बट चल सुबह नहा रही थी क्योंकि घर प्लास्टर हो रहा था तो घर में पानी छिड़कना पड़ता है, तो वही छिड़कती हूँ तो भीग जाती हूँ, उसके वजह से मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो अच्छा है मेरा नहाने का काम सुबह ही ख़त्म हो जाता है, नहीं तो मुझे नहाने में 2-3 बज जाता था। और आजकल मैं मॉर्निंग में 7-8 बजे ही नहा लेती हूँ और नहाने के बाद खाना वाना बनाती हूँ। लीची लीची छत पे घूम रही है धूप में, अब जब तक मैं नीचे नहीं जाऊँगी तब तक से लीची भी नीचे नहीं जाएगी। तो चलिए आप लोग से बाद में मिलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अपने खाने में क्या क्या लिया है, तो चलिए दिखाते हैं आपको मैंने आज अपने खाने में क्या क्या लिया है और क्या मैं आज खा रही हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ पे चटनी, ये रहा प्याज, ये रहा सत्तू, ये रहा नमक। तो मैंने आज खाने में लिया है चटनी, आम, धनिया, लहसुन, मिर्च का चटनी बनाया है और प्याज है, सत्तू है, नमक है। और ये आज मैं खाने वाली हूँ क्योंकि आज है सतुआन, तो आज यही चलेगा। तो चलिए हम खा लेते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ मेरे घर में प्लास्टर का काम चल रहा था, अब प्लास्टर किए हुए लगभग 8-9 दिन हो गया था। 8-9 दिन के बाद अचानक ये छत का टूट कर और धड़ाम से नीचे गिरा। मैं आंगन में बैठी थी और मुझे लगा कि हाथ जो छत थी टूट गया। और अच्छा हुआ कि मैं जब पानी छिड़क रही थी, पूरे घर में पानी से तर किया जाता है, तो मैं तर कर रही थी तो उस समय नहीं गिरा। जो तर करके बाहर निकली ना आकर बैठी तो वो धड़ाम से गिरा। भगवान मुझे बाल बाल आज बचा दिए हैं, वरना तो क्या होता। तो गाइस अभी मम्मी जा रही हैं कपड़ा पसारने और हम उन लोगों को दिखाते हैं कि मम्मी कपड़ा पसारने जा रही हैं। इतनी धूप है, धूप में मम्मी कपड़ा पसारने गई हैं। मम्मी का साड़ी कल गई थी कहीं, तो वहीं साड़ी पसार रही हैं। तो देख सकते हैं इतनी धूप है और धूप में मम्मी साड़ी पसार रही हैं कपड़े। थोड़ी कम ही है लेकिन ज़्यादा धूप है, तो मम्मी ने कपड़ा पसार लिया है और मम्मी आ रही हैं, तो जब घर में आएंगे तो आपको दिखा रहे हैं। सो गाइस देख सकते हैं लीची क्या कर, तो देख सकते हैं लीची एकदम बैठी हुई है। हेलो लीची, देख सकते हैं मम्मी कपड़ा उठाकर आ रही हैं लीची को खिलाने के लिए। मम्मी अब जा रही हैं घर में,
और यहाँ शाम का समय था तो मैं छत पे आई थी और लीची बार बार भाग कर जा रही थी उधर छज्जे पे, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए उसको उठा ली गोद में और लाकर इधर रख दी। और इधर देखिए, छत पर टहल रही थी तो बगल में देख रही थी कि एक डॉग था और इस गाय का पूंछ पकड़कर। तो अब हो गया है शाम का टाइम, बज रहा है 7 और मैं एंट्री कर रही हूँ अपने किचन में और जा रही हूँ 2-4 बर्तन धुलना है और सुबह का खाया है क्योंकि सुबह मकर संक अरे सॉरी सुबह सतुआन था तो हम लोग सत्तू खाए थे। तो अब जा रहे हैं खाना बनाने, तो सतुआ खाए इसलिए हम बनाएंगे दाल चावल और चोखा बना देंगे, रोटी बना देंगे क्योंकि दाल चावल ही खाने का मन कर रहा है सतुआ खाने के बाद। तो आप लोग देखिए हम काम कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है गर्मी से, बट क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ मैं किचन से आ गई अपने रूम में और किचन का सारा काम फिनिश कर दी, बर्तन तो धुल दी, पोछा वोछा भी लगा दिया, दाल भी बैठा दी। और यहाँ सूर्यांशु और रिया और मेरा कपड़ा था जो सुबह का धुल कर रखी हुई थी सुखा कर, तो वही सोची कि फोल्ड करके रख दूँ तो एक काम से फ्री मिल जाए मुझे, तो वही कर रही थी सारा कपड़ा फोल्ड। और ये वही साड़ी है जो मैं उस दिन हॉस्पिटल में पहन कर गई थी, तो इसे भी सुखा लिया हुआ था तो सोची इसको भी फोल्ड कर दूँ। रिया रिया और मैं बातें कर रही थी, रिया खा रही थी भुना चना और मैं भी उसी में से खा रही थी, और रिया पता नहीं क्या क्या बातें कर, और रिया की तो बात ख़त्म ही नहीं होती है। तो चलिए हम कर लेते हैं अपने कपड़े को फोल्ड, इसके बाद आप लोग से बात करते हैं क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा था। और देखिए यहाँ मैंने अपना सारा कपड़ा का तह लगा लिया और सब ले जाऊंगी हमारी। ये देखिए दोस्तों लीची का, देखिए लीची क्या की है, लीची अरे कितना सांस ले रही हो लीची, लीची आ लीची।
और ये दूसरे दिन का क्लिप है, मैं एक ही ब्लॉग में दो दिन का क्लिप ऐड कर दी हूँ। ये मैं जा रही थी कहीं, मार्केट जाना था मुझे, क्योंकि लीची के लिए दवा ले आना था। मैंने डॉक्टर से बात की हुई थी, क्योंकि लीची आजकल खाना बहुत कम खा रही है, सिर्फ एक टाइम खाती है और खाना खाती ही नहीं है। तो डॉक्टर कोई दवा बताए थे, तो मैं सोची कि यहाँ पे अपने मतलब घर के बगल वाले मार्केट में नहीं मिला, तो मैं दूसरे मार्केट में गई मेडिकल पर लेने के लिए। तो वही जा रही थी, तो वही मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप ऐड कर दी हूँ दूसरे दिन का भी। और देखिए यहाँ का भी, रास्ते का भी हो, तब तक के लिए मैं बाद में आप लोग से बात करती हूँ। मैं आ गई हूँ घर, और घर आकर देखिए काम में लग गई अपना, मेरा काम ही नहीं ख़त्म होता है, मैं क्या करूँ बताइए आप लोग। मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ ना, इतनी भुलक्कड़ हूँ कि क्या ही कहूँ आप लोग से कि मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। मैं पर्स में ही मतलब स्टैंड और ब्लूटूथ रख के भूल कर और अलमारी लॉक करती थी, फिर और ऐसे खोज रही थी कि कहाँ है, मिल ही नहीं रहा था। तो फिर जाकर पर्स चेक की तो उसमें निकला, तो मैंने उसको रखा और ब्लूटूथ को लगाया चार्ज में। और उस दिन अगले दिन भी शाम ही हो गया था, तो मैं आई तो थी दोपहर को ही चली आई थी घर पे, बट आकर सो गई। तो काम और जगी शाम को, काम ज़्यादा था इसलिए अब जल्दी जल्दी कर रही थी कि सारा काम कर लूँ। तो आए तो देखे बच्चे सब सामान बिखराए हुए रहते, मैं कहीं चली जाती हूँ तो मेरे घर में सामान समझे इधर उधर बिखर ही जाता है, फिर आकर मुझे सब कुछ सही ढंग से रखना पड़ता है, कभी ढंग से रहता ही नहीं है घर पे आने के बाद। तो क्या ही मैं बताऊँ आप लोग से। और यहाँ मैं आ गई अपनी किचन में, क्योंकि किचन में भी सब रखना था, सब फैला हुआ था, बिखरा पड़ा हुआ था, सब किचन मैसी मैसी हो गया था, इसीलिए मैं कहीं जाना नहीं चाहती। जाओ तो सब आकर ठीक करो। तो यहाँ मार्केट से सब्जियाँ आई थी कुछ, तो मैं रख रही थी टमाटर मिर्च और पता नहीं क्या क्या सब्जियाँ आई थी, तो वो सब रख रही थी बारी बारी से। और यहाँ मैं लाई थी पनीर सब्जी बनाने के लिए, पनीर तो उसकी भी मैं रेसिपी बहुत जल्दी शूट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। बहुत जल्दी भी मैं पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी अगर आप लोग कहोगे तो। हेलो, हाँ तो आप लोग को बता दूँ कि मैंने अपने वीडियो पूरा शूट कर लिया, बट वीडियो का एंड किया ही नहीं, तो मैं सोची कि चलिए वीडियो का एंड कर लेती हूँ और आप लोग से कुछ बात कर लेती हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे मतलब वीडियो को जब पूरा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि जब मैं भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास पहुँच जाए। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, एंड ही करें क्योंकि शाम का टाइम है, तो अब खाना वाना बनाना हो तो अब मैं वीडियो, आज देखिए मैं नए लुक में लग रही हूँ ना इस वीडियो में, नए लुक में, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी और मैं ज़्यादा गई थी तो मैं वहाँ का क्लिप नहीं ले पाई, नहीं वीडियो बना पाई, तो थोड़ा बहुत की हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो में मेंशन कर दूँगी, वीडियो में डाल दूँगी। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं, तो बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय बाय। रिया बाय बोलो, बाय बाय।